हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनलाइज बैंक है, इसके द्वारा टोटल 550 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है। जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम्प्लीट करते हैं वो 15 सितंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, सेंट्रल ऑफिस चेन्नई की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। 28 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। एक साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट उनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, जिसका एलिजिबल जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2024 के बीच में इसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iob.in, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या यहाँ पे जो BFSI SSC ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfsiSSC.com के माध्यम से भी ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2024 के बीच में भरा जाएगा। इसके साथ या यदि आपको फीका पेमेंट करना है तो वो 15 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो अभी टेंटेटिव ही रखी गई है 22/9/2024 रखी गई। स्टेट वाइज यूटी वाइज आप यहाँ पे जो सीट्स है वो देख सकते हो। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप भी दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप में 1 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में 22 है, अरुणाचल में 1 है, आसाम में 2 है, बिहार में 11 है, चंडीगढ़ में 2 है, छत्तीसगढ़ में 7 है, दमन दीव में 1, दिल्ली में 36 वैकेंसी निकली गई, गुजरात में 22 है, गोवा में 9 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, हरियाणा में 11 है, JNK में 1 है, झारखंड में 7 वैकेंसी है, कर्नाटका में 50 है, केरला में 25 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, महाराष्ट्र में 29 है, मिजोरम में 1 है, मध्य प्रदेश में 12 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 19 वैकेंसी निकाली गई है, पंजाब में 16 वैकेंसी है, पुडुचेरी में 14 है, राजस्थान में बात करें तो 13 वैकेंसी निकाली गई, सिक्किम में 1 है, तेलंगाना में 29 है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई 130 वैकेंसी है, त्रिपुरा में 2 वैकेंसी, उत्तराखंड में 7 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 41 है, वेस्ट बंगाल में 22 वैकेंसी, टोटल 550 पदों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल से वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के जो कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी जरूरी है, लेकिन इसमें जो SC ST और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, नहीं कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो 1/4/2020 से लेकर 1/8/2024 के बीच में कंप्लीटेड होनी जरूरी है, वही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन में रहेगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल का, और जो 1984 दंगों से जो पीड़ित है उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, उसकी सारी जानकारी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जुड़ी, शेड्यूल कास्ट से जुड़ी जो कैंडिडेट है उनकी जानकारी है। स्टाइपेंड की बात करें तो मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये, अर्बन सिटीज में 12,000 रुपये, सेमी अर्बन सिटीज में 10,000 रुपये यहाँ कैंडिडेट है उसको यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे, लेकिन उस पर से जो 4,500 रुपये है वो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका DBT के माध्यम से मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो, कैंडिडेट का सिलेक्शन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है जो कि हर स्टेट में अलग अलग अप्लीकेबल है उसके और पर्सनल इंटरेक्शन के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट है वो रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो इसमें 25-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के यहाँ पे रहेंगे, 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम है वो अलॉट है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का जिस स्टेट से कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट है कैंडिडेट का लिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट विशेष तौर से ये ध्यान रखे कि जिस स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करता है, जिसकी लोकल लैंग्वेज का कैंडिडेट को नॉलेज है,
उसी स्टेट से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो कैंडिडेट के लिए दे रखी है। एप्लीकेशन फी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस जीएसटी 472 रुपए पेड करने, फीमेल एससी एसटी के लिए 600 प्लस जीएसटी 708 रुपए पेड करने, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 944 रुपए यहाँ पे पेड है वो करने जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स प्योरिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो वो यहाँ पे सारी जानकारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो कैंडिडेट को अपने साथ साथ लेके जाने जरूरी है। तो कैंडिडेट है ना इसका जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो निकाल के जरूर अपने पास रख ले, क्योंकि ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पे आपका ये इसका जो जरूरत है वो आपको रहेगी। दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in या www.pfsisac.com को विजिट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूंगा। नोटिफिकेशन का लिंक और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको चेकआउट है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।